भयानक बाढ़ से केरल हुआ बेहाल, अभी तक 385 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, केरल में भयानक बाढ़ ने काफी प्रलय मचा रखी है तथा यह रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन और बढ़ते जा रही है, जिसके कारण 2 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं तथा 385 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पानी के ऊपर कई सारे लाशें तैरती नजर आ रही है। नजारा बहुत ही भयानक है। इसे देखने के बाद इंसान का रूह कांप जा रहा है। इतना भयानक बाढ़ केरल में आज से 100 साल पहले तक कभी नहीं आया है। जगह जगह पर राहत कैंप लगाकर बाढ़ से पीड़ित लोगों को भोजन तथा प्राथमिक उपचार दी जा रही है। NDRF के जवान अपनी कठिन परिश्रम तथा अपनी जान पर खेलकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है। नरेंद्र मोदी जी केरल का हवाई दौरा करने के बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 करोड़ की सहायता राशि देने का अनाउंस कर दिए हैं और साथ में ये भी कहे हैं कि मृत व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपया तथा जो लोग बाढ़ के प्रकोप से गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपया दिया जाएगा। हालांकि केरल राज्य सरकार इस अनुदान से असंतुष्ट है। उनका कहना है कि कम से कम 2,000 करोड़ का अनुदान राशि प्रदान करें ताकि अच्छी तरह से बाढ़ पीड़ितों का सहायता की जा सके।